बाबा मुरारनाथ जी झाड़ी मठ गोठवा मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर आयोजन होता है। 2024 का यह आयोजन 14-15 जनवरी यहीं पर जिंदा समाधि लिए थे बाबा मुरारनाथ जी। भगवान नंद महाराज जी हथियाराम बाबा, इसे पोहारी बाबा के नाम से भी जानते हैं, हथियाराम बाबा जो जखनिया में मठ है, मंडलेश्वर महाराज जी हैं, इसी बरगद के पेड़ के नीचे उनका स्थान है, पवन कुंड। बाबा मुरारनाथ जी की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। के यह प्रांगण में इनका झाड़ी मठ गोठवा में 52 बीघा से अधिक ही होगा लगभग, पेड़ के नीचे जो यह इनका समाधि स्थल है, जिंदा समाधि लिए थे बाबा मुरारनाथ जी की तपोस्थली झाड़ी मठ गोठवा नगरा क्षेत्र में। यह बहुत ही बड़ा प्रांगण 52 बीघा से अधिक ही होगा लगभग। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन महामंडलेश्वर नंदन जी, भगवान नंदन जी महाराज हथियाराम बाबा पोहारी बाबा के संरक्षण में वर्तमान में गुरु हैं, और यह कार्यक्रम मकर संक्रांति के यहाँ पर 50,000 की संख्या में आज प्रसाद वितरण हुआ। दीक्षा लेते हैं लोग, अपना कहते हैं लोग गुरुमुख होते हैं, तो यह देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मेला भी लगता है बहुत बड़ा। यह हवन कुंड है, पूजा के बाद हवन होता है यहाँ पर। समाधि स्थल है बाबा का, कैमरामैन बीची इस समाधि स्थल पर हजारों लोग फोटो और बाबा के एक याद लेकर के सजो करके अपने अपने घर को जाते हैं कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। यही बरगद का पेड़ जो कि हजारों साल पुराना है, जटा वृक्ष के तरह डालिया बरगद की आकर के जड़ में देखिए दो बरगद का जटा। अभी तो भीड़ कम हो चुका है, 2 बज रहा है। यहाँ 50,000 की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घरों को गए। 2 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है, आज शाम को भी प्रवचन होगा, 15 तारीख को, 14 को हुआ था। और सभी मुल्क के, इस मुल्क के लोगों का सहयोग, तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, और बोलिए सनातन धर्म की जय, श्री रावण रामचंद्र की जय, बाबा मुरारनाथ जी की जय, हर हर महादेव, श्री आवर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।